हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज बात करने वाले एमएफएल इंडिया शेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आप शेयर बाय भी नहीं कर पा रहे, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप बाय कर सकते हो। काफी आसान सा ट्रिक है, आपको यहाँ पे समझ जाने वाली है, बेहतर तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आने वाला है, क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छा आता तो और भी बेटर यहाँ पे होने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएफएल इंडिया, यहाँ पे सर्च में मैंने डाला हुआ है, और यहाँ पे एक और है जो कि विशेष इंफोटेक शेयर है, ठीक है। तो मैं आपको ये दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, काफी आप समझने वाली बात है। यहाँ देखिए, 2 रुपए 10 पैसे पे यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, और 5% का अपर सर्किट लग रहा है। उससे पहले अपर सर्किट नहीं लग रहा है, खुलते ही अपर सर्किट नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए, 5 दिन का, यहाँ पे देख लीजिए, 5 दिन का 20% का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल चुका है। और 1 महीने की बात कर ले, यहाँ पे 180% का मतलब डबल लगभग होने वाला है आपके पैसे, अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं तो। अगर नहीं किए हुए हैं तो किस तरह से बाय करना है यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 6 महीने की बात कर ले तो 624% का यहाँ पे रिटर्न बना के कंपनी का शेयर ने आपको यहाँ पे दिया है। और ईयर टू डेट की बात नहीं करना है, वह 1 साल की बात कर ले, 1100% का प्रॉफिट आपको यहाँ देखने को यहाँ मिलने वाला है। और 5 साल और मैक्सिमम तो काफी तगड़ा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो इसमें हम बात करने वाले, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना अपर सर्किट यहाँ पे जो है, इसका जो ऑल टाइम हाई है 2 रुपए 28 पैसे है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ऑल टाइम हाई, यहाँ देखो, ये भी एमएफएल इंडिया पे मैंने सर्च किया है, देखो ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे देखने को मिलता है 2 रुपए 80 पैसे के आसपास, यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। जब ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाएगा और जब इसे क्रॉस कर जाएगा तो काफी दूर तक जाने का चांस है, क्योंकि नेक्स्ट इसका शॉर्ट टर्म टारगेट अगर 2 रुपए 85 पैसे को क्रॉस करता है तो 4 रुपए रहने वाला है। मतलब पैसा आपका 2 रुपए 85 पैसा से 4 रुपए होने वाला है, मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे बस यही रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल गया। अगर सेबी की नजर में कंपनी का शेयर अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्की होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी चलिए देखते हैं और बात करते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। एक सेकंड में छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये जो इसमें भी अपर सर्किट लगा हुआ है, विशेष इन्फो टेक्निक शेयर, और इसमें भी अपर सर्किट लगा हुआ है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये देखिए, जैसा कि यहाँ देखिए, अगर ये बाय लगता है, बाय ऑर्डर, तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, बाय नहीं हो पा रहा है, दिन भर लगा कर रखते हैं और कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए, आज का अपर सर्किट देखिए इसका कैसे हुआ, देखिए 2 रुपए 5 पैसे, 2 रुपए 05 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और स्टार्ट होते धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ऐसे, और यहाँ से जाता है फिर ऐसे अपर सर्किट लगता है, मतलब 2 रुपए 10 पैसे में अपर सर्किट लगता है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से, ठीक है, 2 रुपए 5 पैसे के आसपास यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 रुपए 5 पैसे से ऐसे ओपन होता है और ये यहाँ पे अपर सर्किट लगता है, मतलब आप 2 रुपए 5 पैसे के आसपास और 2 रुपए 10 पैसे के अंदर आप खरीद सकते थे, बाय कर सकते थे, लेकिन आपने बाय नहीं किया, आपको टाइम नहीं मिल पाया। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है वो टाइम कौन सा होता है। सबसे पहले हम चलेंगे प्री मार्केट में, देखिए, और उससे पहले विशेष इन्फोटेक में बात कर ले। देखिए, ये ओपन ही होता है 1:15 से, अब क्लोज भी होगा 1:15 से, मतलब अपर सर्किट में ओपन ही होता है, फिर भी इसमें बाय हो जाता है कैसे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए विशेष इन्फोटेक्निक लिमिटेड है ना, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए 1 करोड़ लगभग यहाँ पे ट्रेडिंग हो चुकी है वॉल्यूम, है ना, 1 करोड़ शेयर यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, फिर भी बाय क्वांटिटी लगा हुआ है, तो लोग इसमें से किसी किसी को मिलने वाले हैं, बीच में तो नहीं मिलने वाले हैं। तो 9 बजकर, देखिए मैं बताता हूँ प्री मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे देखिए काफी देखा गया है यहाँ पे 9:15, जो प्री मार्केट जिसको बोलते हैं, जो प्री सेशन बोला जाता है मार्केट का, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ द प्री ओपन मार्केट सेशन इज फ्रॉम 9 AM to 9:15, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:15 AM तक अगर आपने बाय ऑर्डर लगाया, उससे पहले लगाना है, 9:15 बहुत दूर हो जा रहा है, लेकिन 9:15 तक रहता है आपका बाय ऑर्डर, अगर आप बाय करते हैं तो शायद चांस रहता है बहुत ज्यादा बाय हो जाने के लिए, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखाया कि कंपनी का शेयर बहुत बहुत टाइम होता है ऐसा, नीचे से खुलता है तब जाके अपर सर्किट लगता है, तब जाके अपर सर्किट लगता है। तो आपने यहाँ पे देखा, तो प्री मार्केट में यही होता है, अगर आप 9 बजे से पहले बाइंग ऑर्डर लगाते हैं, मतलब 9:06 से पहले भी लगना चाहिए, 9 बजे के पहले भी लगाए तो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा चांस होता है कि आपको यहाँ पे शेयर बाय हो जाए। 9 बजे से पहले लगाना है, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले आपको ऑर्डर लगा देना है, उसके बाद 9:15 तक में आपका ऑर्डर यहाँ पे एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, काफी 2-3 दिन करना है। अगर आपको ग्रो ऐप डाउनलोड करना है, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं मैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, 100 रुपीज आपको मिलेंगे, और वहां पे आप 100 शेयर भी बाय कर सकते हैं, 1 रुपए वाले शेयर, और 50 पैसे वाले 200 शेयर बाय कर सकते हैं, हो सकता है आपका 1,000 रुपए बन जाए, ठीक है। तो आपको मैं बस बताया, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि 9 बजे से पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर लगा देना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नीचे से खुलता है और ऊपर जाकर अपर सर्किट लगता है।
तो दोनों में डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ये भी चांस है कि बाय हो जाए, हर दिन लगाना पड़ेगा। जिस दिन ये नीचे से ओपन होगा, जिस दिन आपको ये इस तरह से ओपन होगा, उस प्रकार आपको बीसीएस भी यहाँ पे आपको अब मिल जाने वाले, बीसीएस, ठीक है, बीसीएस इन्फो टेक्निक। तो उस प्रकार जिस दिन इस तरह से खुलता है, उस दिन आपको ऑपर साइकिल लग जाता है और आपको बाय भी मिल जाता है। तो अगर आप इस तरह लगाते हैं तो काफी ज्यादा चांस मिलता है आपको यहाँ पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं एमएफएल इंडिया, जो कि लॉजिस्टिक कंपनी है, जो कि यहाँ पे काम करती है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो बाकी सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आप फुल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।